सुनिए, आपके कपड़े प्रेस कर दिए और जूते भी पॉलिश कर दिए, नाश्ता भी तैयार है, आ जाइए। शुक्रिया। वैसे आपको मेरे लिए इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं थी। इसमें जहमत की क्या बात है भला, आप तो मेरे मिजाजी खुदा हैं। क्या वजाहत जरूरी थी? यकीनन, जब आप अजनबियत इख्तियार करते हैं तो बताना जरूरी हो जाता है। एक बात कहूँ आपको, आप बिखरे बालों में इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा दिल चाहता है आप इन्हें बगैर सवारी ऑफिस जाया करें। ओह, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए ऑफिस कार्टून बन के जाया करूं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप नाश्ते के लिए आ जाएं वरना कहेंगे कि देर हो गई। अब सुबिया मेरे कपड़े? सुबिया नहीं, रानिया, अलमारी में। तो बहुत अच्छा दिन, मेरी पसंद की शर्ट पहन ली, वो भी बगैर बहस किए। वाह भाई, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है, क्या बात है। अकेली कहाँ हूँ भाई, उन्हीं का तसव्वुर है महफिल हो या तन्हाई। आमिर भाई ने हंस के देख लिया क्या आज? मुस्कुराने की कोशिश जरूर की। अच्छा, तो तुम भाई का मजाक उड़ा रही हो, आने दो ही बताती हूँ उन्हें। ऐसा मत करना। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं, तुम पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी फिर भाभी बनी। तुम्हें पता है, तुम्हें सुकून में देखकर हम सबको बहुत सुकून मिलता है। आमिर भाई के इस रवैये के बावजूद भी तुम इतना बर्दाश्त करती हो मजाक से हट के, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अम्मी का इंतखाब बिल्कुल ठीक था, अगर आ जाती हमारे घर वो जूबिया नकचड़ी जिसे अपने पैसों का इतना घमंड था और खूबसूरती का, मेरी तो उससे एक दिन भी नहीं बनती। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। वैसे तुम्हारी बने या ना बने, उससे रुमैसा आपकी जरूर बनती। रुमैसा आपको तो छोड़ो, वो अपनी नई नई दौलत के खुमार में, और जूबिया के बाद ना वो अपनी नन से शादी करवाना चाहती थी आमिर भाई की, पर हम सब का फैसला तुम्हारे हक में था, बस इसलिए वो तुम पर अपना गुस्सा निकालती हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि भाई निकले उस चुड़ैल की यादों में से अभी तक, या अभी भी उनकी बातें करते हैं? कहाँ निकले, याद करते हैं उसे। पहली मोहब्बत का असर है जो अभी तक उतरने में नहीं आया। तुम्हें पता है, उन्हें इन यादों से सिर्फ तुम निकाल सकती हो। मैंने और अम्मी अब्बू ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। अगर अब्बू अस्पताल में बिस्तर पर ना होते ना, तो शायद वो तुमसे शादी भी नहीं करते। तुम लोगों का प्यार और साथ ही तो है जो मुझे इस घर से जुड़े रहने पर मजबूर करता है, और जिस तरह मैंने मानी को आमिर के लिए परेशान देखा है ना, मैं उनको कभी मायूस नहीं करूँगी। गुड गर्ल। वैसे बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या पकाया है? यार मिक्स सब्जी बना रही हूँ, पसंद है ना तुम्हें? बहुत पसंद है। बस थोड़ा सब्र कर लो। हाँ बहुत भूख लग रही है, ये छील लो जल्दी से आके, गाजर छीलो, मदद हाँ। करवाओ मेरी। और कोई काम में लगा दिए? नहीं आप यही कर लें, मेहरबानी आपकी। चाय? अब कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे ही जैसे हर रोज लगती हो। आपकी करीब की नजर कमजोर है क्या?
मैंने आपका पसंदीदा रंग पहना है आज। वैसे एक बात बताओ, तुम औरतों को अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक क्यों होता है? क्योंकि हम सरापा हुस्न होते हैं और हम ये तारीफ हर किसी से वसूल करना नहीं चाहते, सिर्फ उससे तलबगार होते हैं जो हमारा अपना होता है, जिस पर हमारा हक होता है। खैर छोड़ें, ये बताएं कि आपके करीब की नज़र क्या वाकई कमज़ोर है? इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि आज सबने मेरी तारीफ की है लेकिन आपने तो ठीक से देखा भी नहीं। इस सजावटी तैयारी से तुम क्या समझती हो, ज़ुबिया का मुकाबला कर सकती हो, उसे मेरे दिल से निकाल सकती हो? मुकाबला अपने बराबर के लोगों से किया जाता है और मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं रानिया आमिर। देखो आमिर, जिंदगी गुजारने के लिए महज सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, और भी जरूरियात और ख्वाहिशात जिंदगी से वाबस्ता होती हैं। तुम एक अलग माहौल से हो और मैं बिल्कुल अलग माहौल से। अगर तुम मुझे अलग घर में रख सकते तो शायद मेरा फैसला तुम्हारे हक में होता भी, लेकिन अब मेरा फैसला सिर्फ वकास के हक में है, वो अमेरिका में सेटल है। तो मैं फ्लैट ले लूंगा, ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम इंतजार तो करो। अवल तो जो तुम फ्लैट लोगे वो बहुत ही आम सा होगा, और अगर मेरी मर्जी का फ्लैट ले भी लिया तो उसका एक महीने का किराया तुम्हारी तनख्वाह से भी ज्यादा होगा। तुम दौलत और आसाइशों का मुकाबला मेरी मोहब्बत से करेगी? तुम्हें मुझे खोने या छोड़ने का बिल्कुल डर नहीं है? दुख तो मुझे होगा आमिर, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। सिर्फ दोस्त? मान आमिर, डोंट बी सो इमोशनल, आ जाओ। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो और हो कौन तुम? पहले आप अपना तारुफ करवाएं, कौन से सैयारे से आप? उस सैयारे से तो हरगिज नहीं जहाँ की मखलूक आप हैं। उस सैयारे की आप हो भी नहीं सकती। अरे जाओ जाओ, चलते फिरते नजर आओ। यानी मैं अंदर जा सकता हूँ? चलने फिरने से यही मुराद है ना? बिल्कुल भी नहीं, जितने मासूम आप बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, है नहीं। वैसे दादी भी यही कहती थी, बचपन में मैं फरिश्ता था, बस परों की कमी थी। पर की नहीं पूंछ की, बिल्कुल शैतान लगते हो। अरे कारशाद, तुम कब आए? पिछले 10 मिनट से। आपकी ये जो लेडी गार्ड है ना, मुझे यहाँ रोक के रखा हुआ है इन्होंने। रिमशा नहीं आने दे रही थी, नंद है मेरी, और वैसे भी तुम्हें कहाँ जानती है। आप जनाब कब आए थे मेरी शादी में? मुल्क से जो बाहर थे। जॉब बड़ी प्यारी है भाई। ओहो, अब मैं आ गया हूँ ना, और वैसे भी तुम्हें शादी की मुबारकबाद भी देने आया। फौरन आते ही अम्मी से तुम्हारे घर का एड्रेस लिया और आ गए। रानी है तुम्हारे? जी जी, ददियाली कजन है मेरे। कैसी हैं आप? ठीक। तुम अंदर चलो, बताती हूँ तुम्हें। हद होती है लापरवाही की। रानिया, मेरी फाइल और कागजात कहाँ रखे? मैंने यहाँ साइड टेबल पर ही रखे थे। नहीं है वहां पर, जब ही पूछ रहा हूँ। तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे बेतरतीबी बिल्कुल नहीं पसंद।
रानिया प्लीज मेरी चीजों को मत छुआ करो, अगर रखने का सलीका नहीं हो तो। टेबल पर तो रखे थे, कहाँ चले गई? रानिया, हाँ? रानिया, रानिया, हाँ? रानिया, ये शायद भाई की फाइल है, वो ड्राइंग रूम में भूल गए थे। थैंक यू सो मच रिमशा, तुमने आज मुझे मरने से बचा लिया। क्यों भाई गुस्सा हो रहे थे? नहीं, अवार्ड दे रहे थे तंजो के। तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं, वैसे भाई दिल के बुरे नहीं है, बहुत अच्छे, बस जरा गुस्सा जल्दी आ जाता है। तुम क्यों परेशान होती हो? मजाहत देने की जरूरत है क्या? तुम्हारी फूफी जादू बचपन का आना जाना है इस घर में, सब जानती हूँ उनके बारे में। जब सब मालूम है तो मूड क्यों खराब कर रही हो? नहीं मूड नहीं खराब, झिलझिलाहट है कि मैंने तो ये फाइल इस साइड टेबल पे रखी थी तो ड्राइंग रूम में कैसे चली गई। अच्छा एक बात बताओ, कल रात कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा और भाई का, वो रात ड्राइंग रूम में थे? नहीं तो। अच्छा मुझे नहीं पता, कमरे से बाहर चले गए थे। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है सही, थैंक यू। अब तक जाग रही हो? और भाई कहाँ है? दोस्तों का कह कर गए थे, अभी तक नहीं आए। तुम सोए नहीं? मुझे नींदे नहीं आ रही यार। किसके ख्यालों में घूमो? मैं भला किसके ख्यालों में घूमो सकती हूँ। रिमशा तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें अशान कैसा लगा? ठीक है लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? क्या मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। रानिया तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है कितना बोलता है वो शख्स, मेरे तो कान पका देगा। इतना अच्छा इंसान है, इतना हैंडसम है, गुड लुकिंग है। वैसे भाभी ना वाकई भाभी होती है, कैसे अपने मैके वालों की हिमायत ले रही हो। अच्छा तुम जो इतने नाइस बंदे को फजूल कह रही हो वो क्या है? वैसे उसे तुम पसंद आ गई हो? अच्छा कुछ कहा है उसने? कुछ बहुत कुछ। तुम बताओ ना। ऐसे तो नहीं बताऊंगी, पहले अपने और मेरे लिए कॉफी बना कर लेकर आओ अच्छी सी। आखिर भाभी हो ना तुम भी। लेकर आती जल्दी लेकर आना। हाँ ठीक है। अम्मी को तो मैं राजी कर लूंगा, तुम ये बताओ लड़की राजी है या नहीं? लड़की भी राजी हो जाएगी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी मोहतरमा पूरे 6 साल छोटी हैं आप मुझसे, और खुद ब्याह रचा लिया, और मेरे सिलसिले में आपको जल्दी लग रही है? कम से कम तुम तो जालिम समाज मत बनो। बेहतर है तुम पहले अपनी अम्मी से बात कर लो, वरना बाद में अगर वो राजी नहीं हुई तो मुसीबत हो जाएगी। अम्मी को मैं राजी कर लूंगा, तुम ये बताओ लड़की राजी है या नहीं? पता चले बाद में रजामंदी ना हुई तो फिर तुम पप्पी जान की भांजी से कर लेना, जिस पर वो नजरें जमाए बैठी हैं। क्वामा खा, मुझे वो लड़की जरा पसंद नहीं। शर्म और झिझक तो फितरी बात है, मगर उसकी हद से ज्यादा अदाकारी मुझे एक आंख नहीं भाती है। बहाने मत बनाओ। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल अटक गया है मेरी नंद रिमशा पे? बात तो सच है, पर बात है रसवाई की। रसवाई की क्या बात है भला? अभी तुम्हारी बहन जिंदा है, तुम्हारा मामला सवारी। थैंक्स अ लॉट। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम आमिर भाई के साथ खुश तो हो ना? दरअसल उस दिन मुझे उनका अंदाज बड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी एक भी तो मुलाकात हुई है, वो भी मुख्तसर सी, अभी से अंदाजे लगाने शुरू। खैर छोड़ो, मैं आऊंगी पुप्पी से मिलने के लिए किसी दिन। हाँ हाँ जरूर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Thank you.
तुम क्या चाहती हो अपनी राय दो। देखो रिमशा, जिंदगी तुमने गुजारनी है। अगर तो तुम रेहान के साथ मुतमईन हो तो बिला शुबाब काशान के लिए मना कर दो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी होगी। क्या राय दूं, अगर काशान के लिए हाँ करती हूँ तो रुमैसा आप ही नाराज़ हो जाएंगी और रेहान के लिए दिल मुतमईन नहीं होता। एक तो उसकी तालीम कम, ऊपर से इंतहाई गैर जिम्मेदार इंसान है और भाइयों पर इनसार करने वाला, और तुम तो जानती हो रुमैसा आप ये सिर्फ तुम्हारी टसल में कर रहे हैं। तो बस ठीक है, फैसला हो गया और अपनी बात पर कायम रहना, और कल घर वालों के सामने कह देना कि तुम्हें मिसेस काशान बनना कबूल है। ऐसे बहुत चलाक हो तुम, दिन तो तुमने उस दिन हार दिया था काशान भाई पे जिस दिन वो पहली बार घर आए थे। हाँ तो क्या तुम्हारी तरह हर एक को लव स्टोरी सुनाती फिरती? बदतमीज, मैंने किसे लव स्टोरी सुनाई तुम्हारे सिवा? वैसे रानिया फिर से एक बार थैंक यू सो मच। अच्छा खैर ये बताओ, भाई कराची जा रहे हैं, एक साल के लिए उनकी पोस्टिंग हो गई, तुम जा रही हो ना उनके साथ? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, वो तो अपने काम में लगे होंगे। क्या मतलब बिजी होंगे? तुम जाओ उनके साथ, अकेली थोड़ी ना हो तुम, भाई होंगे ना? तो ऑफिस में होंगे ना? हाँ तो सारा दिन ऑफिस में थोड़ी होंगे। अच्छा है चली जाओ, थोड़ा घूम फिर लोगी। हाँ वो उन्होंने कहा है कि वो महीने दो महीने में घर का चक्कर लगाते रहेंगे, तो मैं यहीं ठीक हूँ। खैर तुम्हारी मर्जी, अगर चली जाती तो अच्छा था। वैसे रुमैसा आपी का मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आज आ रही हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है। बेटा तुम क्यों बुरा मना रही हो, ये रिमशा का फैसला है। रिमशा का फैसला नहीं है ये, आपकी लाडली बहू ने रिमशा के कान भरे। मैंने खुद रिमशा से बात की थी, वो रेहान से कतई राजी नहीं है शादी के लिए। क्यों, क्या बुराई है मेरे ससुराल वालों में? सौ सौ कीड़े निकालते हैं आप लोग। पहले अपनी नन का रिश्ता लाई थी आमिर के लिए, तो आप अपनी लाडली बहू को ब्याह कर ले आई, और अब दूसरी बार ये तमाशे चल गए। क्या तुम जानती नहीं क्या आमिर की क्या हालत थी? क्या तुम्हारी नन में ये बर्दाश्त थी जो रानिया ने है? आमिर के हर बुरे रवैये को उसने समझदारी और सब्र से बर्दाश्त किया। अगर तुम्हारी नन देखती कि आमिर अभी भी जूबिया के ख्यालों से नहीं निकला है, वो कब की जा चुकी होती। अम्मी आप रहने दें, आमिर के बारे में ना सबको पता था। पता होने और निभाने में बहुत फर्क होता है बेटा, और तुम भी अब रानिया के अपने दिल से गुबार निकाल दो और बहन की शादी की तैयारी खुश दिली से करो। देखो बेचारी रानिया कब से किचन में तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने की तैयारी में लगी। अम्मी आप तो रहने दो और अपनी चमचे की हिमायत ना मेरे सामने मत किया करें। हम ऐसा भी जाए, तुम क्या समझती हो ये रिश्ता करवा कर तुम मुझे नीचा दिखा दोगी? मैं फजूल बातें नहीं सोचती आपी, और अगर काशान बुरा होता तो मुमानी जान और रिमशा इस रिश्ते से खुद इनकार कर देते। इसका मतलब तुम ढके छुपे अल्फाज में रेहान को लुच्चा लफंगा कहना चाहती हो? ये आपका माइंडसेट है आपी, आप बात को जिस रंग में भी ले लें। मैं बात को दूसरा रंग क्यों दूंगी? तुम तो यही कहना चाहती हो ना, जैसी फूफो वैसी उनकी औलाद। स्टॉप इट आपी, हद होती है किसी बात की, आपको बिल्कुल तमीज नहीं है, आप किसके बारे में क्या बात कर रही हैं? और तुम्हें तमीज है कि तुम किससे मुखातिब हो? देखा मैं तुम्हारी बीवी जो इतनी मासूम बनकर इस घर में घूमती है, वो तुम्हारी बड़ी बहन से कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। आमिर आपको नहीं पता कि आप ही क्या कह रही थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने क्या कहा। सॉरी कहो आप इसे फोन। मगर आमिर सॉरी कहो। सॉरी अभी आप बैठे, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। ठीक है तुम जाओ। देखा तुमने, इस घर में और आमिर की नजर में तुम्हारी यही अहमियत है। लेकिन हाँ जूबिया होती तो उसे पता होता कि हम क्या बात कर रहे हैं।
आमिर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसकी नजर में तुम नापसंदीदा चीज के सिवा कुछ भी नहीं हो। अब भी समझ नहीं आई तुम्हें? अच्छा है ना ये? हाँ, ये सूट मुझे बहुत पसंद है। ये सूट तो मैं ही लूंगी। रुमैसा आपी, ये सूट तो मैं रानिया के लिए लाई हूँ, आप इसमें से ले लें। ये ले। तुम तो सारी चीजें उसी को देना, तुम्हारे सारे मफादात उसी के साथ जो है। प्लीज आपी, हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। रमशा, अगर आपी को ये सूट पसंद आ रहा है तो उनको लेने दो ना। वैसे भी ये कलर मेरे पास है और आमिर को पसंद भी नहीं है ये कलर। रानिया, ये कलर आमिर भाई को बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद है, लेकिन ज़ूबिया के ऊपर, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। आपी प्लीज़, ज़ूबिया उनका माजी का हिस्सा था और रानिया उनका हाल है, और वो अपने हाल से बहुत खुश हैं। कौन जाने। अब तुम एक काम करो रानिया, तुम्हें भाई बुला रहे हैं, उनकी पैकिंग में हेल्प करो। एक हफ्ता हो गया आमिर को गए हो, फोन भी किया तो हुमानी से बात करके रख दिया, मुझसे बात भी नहीं की। अगर उन्हें मेरा ख्याल होता तो जरूर बात करते, मगर शायद वो उसकी जरूरत ही नहीं समझते। एक शख्स की कमी से हर तरफ बेरौनकी हो रही है। सब कुछ वीरान और उदास सा लग रहा है। काश मैं उनके साथ चली जाती, पर उन्होंने एक बार भी मुझे साथ चलने का कहा ही नहीं, बल्कि वो तो मेरे ना जाने पर खुश थे। आमिर, दुबिया तुम? अब मेरा मतलब है दुबिया वकास। सिर्फ दुबिया? क्या मतलब? कहीं बैठ के बात करें। हाँ श्योर, अंदर चलें। आपने बुलाया था हमारी जान? हाँ बेटा बैठो, तुमसे बात करनी है। जी कहिए। माशाल्लाह, रिमशा की शादी की तैयारी दिल जमी से कर रही हूँ, मगर बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम आमिर के पास कराची चले जाओ। पर क्यों मानी जान? बेटा आमिर तुम्हारा शोहर है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसके घर वालों के साथ नहीं। आदमी जब अकेला होता है ना, 100 तरह की राहें उसको अपनी तरफ बुलाती हैं, लेकिन मुझे मेरे खून पर भरोसा है, फिर भी इंसान गलती कर ही जाता है। तुम तो बेटा सब जानती हो ना, तुमसे कुछ भी ढका छुपा नहीं है, तुम्हारा साथ ही तुम दोनों के हक में बेहतर है। जाओ बेटा, वो जाके अपनी पैकिंग करो, मैं आज ही रात तुम्हारा कराची का टिकट करवा दूँगी। जी जैसा आपका हुक्म। मैं तो इसलिए रुक गई थी क्योंकि रिमशा की शादी में मदद करवा सकूँ। तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं हूँ, रुमैसा है, रिमशा खुद अपनी शॉपिंग बहुत अच्छी कर लेती है, तुम बस अपने शोहर पर तवज्जो दो। जी मम्मा, ठीक है। बहुत जल्दी थी यहाँ आने की, थोड़ा इंतजार कर लेती, मैं खुद बुलवा लेता। हुमानी जान ने भेजा है मुझे, अगर मुझे इतना शौक होता यहाँ पर आने का तो आपके साथ ही आ जाती। लेकिन बोला तो तुमने ही होगा ना। खैर अब आ गई हो तो खाना ही बना दो। जी
बनाती हूँ। हेलो। हाँ जुबी, कैसी हो? हाँ घर आ गया हूँ। अच्छा और क्या कर रही हो? हाँ मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। बस अब आ गया हूँ तो जल्द मुलाकात भी होगी। अभी मैं पूछ रही थी, अंदर आते वक्त दरवाजा नॉक किया जाता है, अब क्या तुम्हें ये भी तमीज सिखानी पड़ेगी? अपने कमरे में आने के लिए क्या मुझे इजाजत की जरूरत है? मैं कुछ जरूरी बात कर रहा था। जरूरी है सीक्रेट? आमिर देखें, अगर आपके साथ कोई मसला है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई नो कि मैं इतनी अकलमंद या समझदार नहीं हूँ, लेकिन अपनी इस्तेदात के मुताबिक आपको मशवरा तो दे सकती हूँ ना। मैंने कहा तो सही, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरे आने की कोई खुशी ही नहीं हुई। आमिर कब तक मुझे पराया और अजनबी समझते रहेंगे? मेरी जगह जुबिया होती तो क्या उसके साथ भी यही रवैया होता? शायद नहीं। अम्मी चाय तैयार है, ये लीजिए। रिमशा बेटा, आमिर और रानिया के जाने के बाद ये घर कितना सुना लग रहा है। हाँ ये तो है, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। यकीनन रानिया बिना वहाँ बहुत बोर हो रही है। तो बेटा उसको फोन पे बात कर लिया करो ना। अम्मी रोज करती हूँ, लेकिन फोन पर वो बात कहाँ होती है। हम भी कराची चले? इतना आसान ही क्या जाना, और फिर तुम्हारी शादी की भी तो तैयारी करनी है। बस सब्र करो, ये दिन भी कट ही जाएंगे। हाँ फिर मैं कहाँ होंगी इस घर में? क्यों मिलने नहीं आओगी? काशन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बड़ी चाह से रखेगा। ये तो शादी के बाद पता चलेगा। नहीं बेटा, मेरा तजुर्बा रानिया के मामले में भी बहुत सही था, और काशान के लिए भी। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों की तरफ। मैं भी चलूं? तुम वहां जाकर क्या करोगी? बोर हो जाओगी, ऑफिस के दोस्त थे सारे। हेलो, आमिर से बात करवाएं प्लीज। आप कौन? मैं जुबिया बोल रही हूँ, उन्होंने आज रात मिलने का कहा था, अभी तक नहीं पहुँचे। वैसे आप कौन बोल रही हैं? आपने बताया नहीं आप कौन बोल रही हैं। मैं रानिया आमिर बात कर रही हूँ, आमिर की बीवी। तुम कब आई कराची? मैंने आमिर को मना किया था कि तुम्हें यहाँ ना बुलाए। तुम कौन होती हो मना करने वाली? जब अपनी हैसियत और मुकाम का तायुन कर लो ना, उसके बाद ये नखरे दिखा। हाँ। मैं एक घंटे तक आ जाऊंगा, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? जहां आप जा रहे हैं ना,
वहां से अब वापस नहीं आ सकता। हाँ, मैं कुछ समझू नहीं, क्या मतलब इस बात का? मतलब आप क्या पूछेंगे मुझसे? मुझे पूछना है आपसे। रानिया, मैं बिल्कुल बहस के मूड में नहीं, मुझे वैसी देर हो रही है। देर हो चुकी है आमिर, हर मामले में, हर जगह पर और हर फैसले। मुझे लगता है तुम यकीनन ठीक नहीं हो। मैं अब ठीक हुई हूँ, इससे पहले तो वहमियों के सहर में डूबी हुई थी। क्या आप आज नहीं तो कल मेरे पास जरूर लौट आएंगे? आप जानते हैं आमिर, लफ्ज होता है मोहब्बत, और अगर आप वही मोहब्बत किसी और शख्स पर लेकर आए तो आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ वक्त गुजारते, जिंदगी नहीं। अफसोस की बात तो ये है कि आपको किस बात से ना फर्क पड़ता है और ना ये एहसास है। क्या बोले जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं आकर बात करता हूँ। कुछ नहीं, बस यूं ही थकन हो रही है। तुमने उसे क्यों बुलाया यहाँ पर जब मैंने तुम्हें मना किया था? तुम्हें किसने बताया? इंतहाई बदतमीज है तुम्हारी बीवी, उसे बात करने का बिल्कुल सलीका नहीं है। जहाँ आप जा रहे हैं ना, वहां से आप वापस नहीं आ सकते। नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे गुस्से में कुछ कह दिया होगा उसने। तुम मेरे सामने उसकी हिमायत मत करो, जहर लग रहे हो। बहरहाल कब फारिग कर रहे हो उसे? मेरा ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है फजूल। What? तुमने तो कहा था कि तुम उसे शादी करना चाहते हो। मगर इसका ये कहा मतलब निकलता है कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें शर्त माननी होगी। मगर मुझसे शादी करने के लिए शर्त तुम्हें हटानी होगी, क्योंकि मेरे घर वाले उसे बहुत पसंद करते हैं और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो तुम उसे वापस अपने घर वालों के पास भेज दो। वो मेरी बीवी है और मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? और मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि हमारे रास्ते एक हों, तो तुम्हें ये फैसला करना होगा। ये सरासर ज्यादती है, तुम मुझ पर दबाव डाल रही हो जुबिया। तुम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी शादी नहीं करती, और कर लेती तो निभा जाती, बटी हुई जिंदगी नहीं गुजारती। अगर ऐसा है तो वकास के साथ क्यों नहीं निभाई तुमने? तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। दर हकीकत हमारी अलहदगी की वजह भी एक औरत थी। शादी के एक साल में ही उसे मैं बुरी और दूसरी औरत अच्छी लगने लग गई, और वो चाहता था कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, इसीलिए मैंने अपना फैसला सुना दिया। पर रिश्ते ऐसे यूं खत्म नहीं किए जाते। रानिया ने मेरे साथ कितना कॉम्प्रोमाइज किया। जो रिश्ते तकलीफ दें उन्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए। उसने कमतर सी लड़की को मेरे मद्दे मुकाबल लाकर खड़ा कर दिया, और अब यही गलती तुम कर रहे हो आमिर। ज़ुबिया, तुम बहुत शिद्दत पसंद हो और जिंदगी यूँ नहीं गुजरती। जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, और मैं समझती हूँ उसे हंस खेल कर इंजॉय करके गुजारना चाहिए। और वैसे भी जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। अगर इस तरह से खुदगर्जी करना अच्छी बात है। खुद गर्जी नहीं डियर, हकीकत पसंद, और मैं एक बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, और आज भी मेरी हकीकत यही है। बहरहाल मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में ही होगा। चलती हूँ।
मैं जानता हूँ तुम सोई नहीं होते। मगर सोना चाहती हूँ हमेशा के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी का कोई फैसला कर सके। फैसला मैंने कर लिया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम जो अपना सामान साथ लाई थी उसे पैक कर ले लो, एक दो दिन में तुम्हें वापस भिजवा रहा हूं। रानिया, रानिया तुम ठीक तो हो? आपको यही फैसला करना था, आपकी जिंदगी का हासिल सुबिया ही तो थी जिसे आपने चाहा, और ये आपकी सच्ची मोहब्बत ही थी जो वो वापस लौट आए। रानिया कहाँ थी आपकी जिंदगी में, जिसके बारे में आप तो घड़ी को भी सोचते? मैं तो आपकी जिंदगी में कहीं भी नहीं थी, होकर भी नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं सही समझ रही हूँ आमिर, बस इतनी वजाहत कर दें कि वापस किसके घर जाऊँ, अपने मैं के या ससुराल? क्या वजाहत की जरूरत है? जी बिल्कुल, ताकि मुझे अपनी हैसियत का तायुन करने में आसानी हो। इस मौजू में हम बाद में बात करेंगे, मुझे लगता है तुम अपने हवासों में नहीं। एक मिनट रहने दे, मैं रख देता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊँ। और मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगा? क्या मतलब? मैंने रिजाइन दे दिया उस जॉब से। उस नौकरी से कहाँ हो आमिर तुम? कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझसे क्या काम है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने फैसला बहुत सोच समझ कर किया। मैं समझता था कि तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम्हारे खातिर मैंने अपनी बीवी को बहुत तकलीफ दी, मगर अब हकीकत मुझ पर आश्कार हो चुकी। क्या कह रहे हो तुम? कैसी हकीकत? उस दिन हकीकतन तुम्हारे लफ्जों ने मुझे आईना दिखाया था। तुम्हारे नजदीक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजूद की अहमियत है, बस। तुम्हारी मोहब्बत के खुमार में गुम होकर हो सकता है मैं रानियों को छोड़ जाने की भूल करता, मगर मेरी रानिया बहुत मासूम है। अब तुम मेरी तौहीन कर रहे हो आमिर। चिल्लाओ मत। और मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम बहुत बदकिस्मत हो जुबिया। तुम्हें हो क्या गया एक दिन में आमिर? मोहब्बत बहुत आला जज्बा है और बहुत कम लोगों का नसीब बनती है, और इसमें सौदेबाजी और खुदगर्जी नहीं होती। दोबारा मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पे आई और तुमने अपनी खुदगर्जी और कम सेल्फी के नजर कर डाला, और आइंदा मुझे फोन मत करना। बाय। तुम्हारी चाहत और वफा मुझे जुबिया से खींच लेगी। बिल्कुल ठीक कहते, मोहब्बत वफा खलूस और मोहब्बत जज्बे अपने आप में ला ही लेते हैं। अरे अब क्यों रो रही हो? खुशी के आंसू हैं ये।
बेवकूफ। अब चले मेरे घर। हमारे घर? ऑफ कोर्स हमारे घर। चले चले भाई।